दोस्तों वो बॉलीवुड एक्ट्रेस चंदो आपको याद है ना, वही चंदो जो नसीब अपना अपना में ऋषि कपूर की पत्नी बनी थी। हाँ हाँ, वही चंदो जो चेहरे से बहुत ज्यादा बदसूरत और इसके साथ ही जिसकी लंबी सी टेढ़ी चोटी थी। कुछ बॉलीवुड फिल्मों को लोग सालों तक भूल नहीं पाते, ऐसी ही फिल्मों की लिस्ट में नसीब अपना अपना का नाम भी शामिल है। 1986 में इस फिल्म को ऑडियंस ने ना सिर्फ 90s में प्यार किया बल्कि आज भी इस फिल्म के लिए अलग क्रेज देखने को मिलता है। फिर चाहे इस फिल्म के डायलॉग हो या गाने, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने तो अहम रोल निभाया ही था, लेकिन उनके साथ साथ लोगों ने चंदू किरदार को काफी पसंद किया था। ऋषि कपूर की पत्नी बनी थी चंदो और जिस तरीके का उनका किरदार था, जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी थी, लोगों ने उसे काफी पसंद किया था। चंदो का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस का नाम राधिका शरद कुमार है। नसीब अपना अपना के दौरान जैसी वो दिखा करती थी, आज उससे बहुत अलग और स्टाइलिश नजर आती हैं। आइए आपको दिखाते हैं उस स्टाइलिश चंदू की फोटोज जिन्हें कभी आपने काले रंग में और टेढ़ी चोटी के साथ देखा था। हेलो फ्रेंड्स, आपने लॉगिन किया है फिल्मी बीट और मैं हूँ आपके साथ रेनु माथुर। भाई मैं तो जब नसीब अपना अपना देखती हूँ तो मुझे चंदो का जो रोल है वो काफी पसंद आता है। जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर एक सीधी सादी सी गाँव की लड़की नजर आई थी जिसे ना तो मेकअप करना आता था और ना ही कपड़े पहनना, और सबसे ज्यादा लोगों को पसंद आया था जिस तरीके से मुंह में उंगली डालकर वो अपनी डायलॉग बोलती ही नजर आ जाती हैं। और इससे कहीं ज्यादा पसंद आई थी चंदो की वो लंबी सी चोटी जो कि बहुत ज्यादा टेढ़ी थी। इस फिल्म में चंदो के रोल ने लोगों को काफी हंसाया गुदगुदाया था। इस फिल्म में जिस तरीके का चंदो का किरदार था, उस फिल्म के अंदर बताया गया था कि एक सिंपल सी दिखने वाली लड़की को कैसे उसका हैंडसम सा पति बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब चंदो का रूप निखरता है तो वही ऋषि कपूर अपनी पत्नी को वापस प्यार करने लगते हैं। नसीब अपना अपना फिल्म में चंदू का किरदार निभाते वक्त राधिका शरद कुमार बेहद सिंपल नजर आती थी, लेकिन आज उनके आउटफिट्स और लुक पूरी तरीके से बदल गए हैं। आपको बता दें, राधिका शरद कुमार साउथ इंडस्ट्री में भी अपना बड़ा नाम रखती हैं। वो ढेर सारे रियलिटी शोज का हिस्सा भी रह चुकी हैं। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाली चंदो आज अपनी लेटेस्ट फोटोज की वजह से काफी चर्चा में रहती हैं। फैंस उनकी फोटोज को देखकर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं कि क्या ये वही चंदो है। फिर चाहे राधिका का हेयर स्टाइल हो, ज्वेलरी हो या फिर साड़ी, अब वो किसी स्टाइलिश मॉडल जैसी नजर आती हैं। राधिका शरद कुमार को बहुत से लोग सिर्फ नसीब अपना अपना फिल्म के लिए जानते हैं, लेकिन इसके अलावा वो कई सारी मूवीज में काम कर चुकी हैं। उन्होंने लाल बादशाह, जींस, आज का अर्जुन, रंगा, मारी सिंगम 3 और जेल जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपने किरदार से दर्शकों को काफी इंप्रेस किया है। पर जो भी कहो, नसीब अपना अपना में राधिका ने जो चंदो का किरदार निभाया था ना, वो मुझे आज तक याद है। उनकी फिल्मों के डायलॉग, उनकी जिस तरीके की पर्सनैलिटी थी, उसे आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। अब ये सारी स्टाइलिश फोटोज तो आपने देख ली है चंदो की, तो जल्दी से हमारे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि नसीब अपना अपना वाली चंदो आज जो बिल्कुल बदल चुकी है, उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है। क्या आपको भी वही वाली चंदो याद है, या वही वाली चंदो का जिस तरीके का रोल था उसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक फिल्मी बीट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जरा उसे भी लाइक कर दीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।